हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम जानेंगे कि सीएफएम कैसे निकालते हैं, सीएफएम आखिर क्यों निकाला जाता है, ठीक है, सीएफएम का फुल फॉर्म क्या है, सीएफएम को कौन सा इक्विपमेंट से निकाला जाता है, कौन सा उपकरण से निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, हाउ टू मेजर सी एफ एम ऑफ ए एच यू एफ सी यू सी एस यू। तो ए एच यू का फुल फॉर्म एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, एफ सी यू फैन कॉइल यूनिट, सी एस यू सेलिंग सस्पेंडेड यूनिट, ये तो आपको मालूम ही है। तो अभी हमको क्या करना है कि सी एफ एम को निकालना है। तो सी एफ एम का फुल फॉर्म पहले जान लेते, सी एफ एम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक फीट मिनट, ठीक है, सीएफएम का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। और सीएफएम को मेजर करने के लिए हमें एनीमोमीटर उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनीमोमीटर देखिए यहाँ पर हम एक बना दिए हैं। एनीमोमीटर में क्या होता है कि इसके अंदर देखिए यहाँ फैन लगा हुआ होता है, ओके, ये जो है ना फैन, एक छोटा सा फैन रहता है, ये अपना एयर के सामने आने के बाद ये थोड़ा फैन का स्पीड बढ़ जाता है, घूमने लगता है। तो यहाँ पर आपको एक ये मिलेगा डिवाइस, इसमें डिस्प्ले शो करेगा, तो डिस्प्ले में जितना भी एयर का फ्लो आना रहेगा उस हिसाब से, मान लीजिए 10 आ रहा है 15 आ रहा है तो मान लीजिए 15। फिर उसके बाद इसमें सिलेक्टर स्विच रहता है जिसमें फैक्टर पर मिनट सेट करना पड़ता है, ठीक है ना, फिट पर मिनट सेट करना पड़ता है। इसमें नॉर्मली पहले पुराने वाला में तो लगभग 10 में रहता था ऑटोमेटिक, तो सेट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अभी नया डिजिटल में आपका बहुत तरह का इसमें आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो आप जनरली जो है 10 फैक्टर में सेट किए थे। हमने इसको 10 फैक्टर में सिलेक्ट किया हुआ है, 10 फैक्टर में सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम बताएंगे कि 10 फैक्टर में क्यों सिलेक्ट किए हैं और इसका क्या काम है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एयर को हम सीएफएम इसलिए निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमारा एचओ एक, देखिए मैं बना देता हूँ उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक देख लीजिए, ये हमारा एचओ है, ठीक है, ये एच यू है, इसका सी एफ एम जो है 100 सी एफ एम इसका कैपेसिटी है फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहां से डक्ट निकला, डक्ट निकला तो एक ये आया, ये हो गया, मान लीजिए हम ये 3 मेरा डिफ्यूजर है ना, ग्रिल अपना, देखो डक्ट निकला रहता है तो हर रूम में फ्लो रहता है, ऐसा नहीं है कि डक्ट यहां से निकला तो डायरेक्ट एक ही जगह फ्लो करा देगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारा ग्रिल के जरिए अपना रहता है अपना डिफ्यूजर में अपना, अगर एक डक्ट है तो उसमें बहुत सारा डिफ्यूजर निकाला हो रहता है, बहुत सारा साफ निकाला रहता है। तो अभी आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ 100 है, यहाँ 30 आया, यहाँ 30 आया, यहाँ 30 आया, तो आप 30-30 कैलकुलेट करेंगे तो 90 सीएफएम हो गया, यहाँ 100 सीएफएम है, तो 10% ये 10 कम है ये कोई फर्क नहीं है, इतना चलेगा, 10% प्लस माइनस जो है ना चलता है, दैट इज फाइन, ये समझिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा इससे डिफरेंस हो जाएगा, क्यों अच्छा, मतलब ये 10% में क्यों ये कर रहा हूँ कि मतलब इतना चलेगा 90 आएगा तो 100 में 100 आना चाहिए, लेकिन 100 में 100 क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन ये है कि अभी यहां से जो डक्ट निकलता है, डक्ट का बहुत सारा ब्रांच निकलता है, एक ही जगह डायरेक्ट फ्लो नहीं कराता, तो वो ब्रांच में कुछ एयर का दबाव पड़ता है, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए उसको दूसरे डिफ्यूजन में गिराया जाता है, तो थोड़ा परसेंट इधर उधर जाता है, 100% कोई भी इक्विपमेंट जो है आपको नहीं शो करेगा। तो हमारा ये 30-30 की है तो 90 आया तो इतना चलेगा, लेकिन अगर यही पे आ रहा है 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम है, फिर हमको देखना होगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एच यू का प्री फिल्टर रहता है, ठीक है ना, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर,
इसका वीडियो ऑलरेडी एचयू का एक हम वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड किए हैं बनाए, उसमें सब बताए हैं कि प्री फिल्टर कहाँ लगा रहता है, बैक फिल्टर कहाँ है, ब्लोअर कहाँ है, रिटर्न एयर डक्ट किधर है, सप्लाई एयर डक्ट किधर है, तो हमको वो चेक करना है। तो हमको सीएफएम निकालने के लिए रिटर्न एयर डक्ट में एचयू जो है, एचयू पे जहां प्री फिल्टर लगा रहता है वहां पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक फिल्टर का अभी ये निकालते हैं, ये प्री फिल्टर हमारा एचयू का प्री फिल्टर है, जहां पर रिटर्न आता है एचयू का रिटर्न में हम प्री फिल्टर लगा रहता है तो वहां पे हम चेक करेंगे सीएफएम निकालने के लिए। एनीमोमीटर, इसका नाम है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम सीएफएम को कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो एनीमोमीटर में हम फैक्टर 10 में सेट किए हुए हैं। अभी एक एक करके हम ये फिल्टर में एवरेज निकालने के लिए, एवरेज एयर वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक ही जगह पर चेक नहीं करेंगे, एक यहाँ चेक किए, एक यहाँ चेक किए, यहाँ चेक किए, यहाँ चेक किए, तो चार पांच जगह आप चेक करेंगे तो डिफरेंस डिफरेंस वैल्यू मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ चेक किए तो 10 आया, यहाँ चेक किए 10 आया, 12 आया, 13 आया, 15 आया, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, देखिए फिल्टर वन में यहाँ पर 10 ले लिए, 10 ले लिए, 12, 15, 13, ये पूरा का कैलकुलेट करके पांचों का ये ऐड कर देंगे एवरेज एयर वेलोसिटी। ये हमारा टोटल कैलकुलेट इसको करेंगे तो हमारा 60 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच हमारा क्या अपना पांच काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग है, तो पांच से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी सीएफएम एक फिल्टर का, ठीक है 12 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ 12 आया ये निकालने के बाद, अभी टोटल नहीं हुआ है। अब हमको क्या करना है, एयर फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए 12 आया ये एवरेज, 12, और फिर 10 फैक्टर में हम सेट किए थे, तो 10 फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे 10, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 सीएफएम पीक पर मिनट ये हमारा निकल जाएगा। ये हमारा टोटल एक फिल्टर का निकल गया 120। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक फिल्टर का इतना निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों फिल्टर को हम ऐड कर देंगे, एटलीस्ट एक एवरेज ले लेते हैं कि इतना इतना आना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट का 120 आया, दूसरे का 100 आया, तीसरे का 80 आया, फोर्थ का 90 आया, ओके। तो ये चारों को हम ऐड कर लेंगे, एयर वेलोसिटी और फिल्टर का ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो 390 सीएफएम फीट पर मिनट हो गया, ओके। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब ये तो हमारा सीएफएम निकल गया चारों फिल्टर का, ये जितना है पूरा का हम सीएफएम निकाल लिए। अब हमको इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फिल्टर, ये साइज कितना है, आपको लंबाई इंटू चौड़ाई जो है माफ करना है, इधर सीधा इधर सीधा, एक फिल्टर होता है ना उसका साइज क्या है, डिफरेंस डिफरेंस साइज होता है, ऐसा नहीं है मैं 2 फीट बाई 2 फीट ले लिया हूँ, ये स्टैंडर्ड साइज इसलिए मैं ले लिया हूँ, अदरवाइज आपको देखें कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है तो आपको उस हिसाब से ही सिलेक्ट करना है, आप मेजरमेंट करेंगे तो उस टाइम आपको मालूम चलेगा। तो ये हम 2 फीट वन साइड इधर है, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई 2 फीट, तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 फीट स्क्वायर हो गया, फीट स्क्वायर 2 फीट × 2 फीट फीट स्क्वायर हो गया। अब 4 फीट इसका है तो ये हम सबको एक ही मान लेते हैं, ये भी 4 फीट का, ये भी 4 फीट का, 4 फिल्टर जो हमारा है वो सब बराबर है, ठीक है। तो 4 × 4 करेंगे तो 16 आ गया, 16 फीट स्क्वायर हो गया। अब 16 फीट स्क्वायर हमारा निकल गया, 16 स्क्वायर फीट, ओके। अब क्या है, सीएफएम निकालने के लिए, सीएफएम निकालने के लिए इक्वल टू एयर फ्लो क्वांटिटी, इसका एक फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू एयर फ्लो वेलोसिटी, एरिया इंटू एयर फ्लो वेलोसिटी। तो एरिया हमारा कितना है, एरिया 16 है, ये टोटल का एरिया हमारा 16 फीट स्क्वायर में है, ये ध्यान में रखने का, ये स्क्वायर में क्यों लिखा हूं, इधर में देखिए मैं फीट पर मिनट लिखा, इधर में स्क्वायर नहीं लिखा, लेकिन यहां पे मैं स्क्वायर लिखा हूं, फीट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 16 फीट स्क्वायर इंटू एयर फ्लो वेलोसिटी, एयर फ्लो वेलोसिटी आपका कितना आया, एयर फ्लो वेलोसिटी टोटल जोड़ने के बाद 390, ओके 390 फीट पर मिनट आया है। अब आप 16 × 390 करेंगे तो आपका 6240 सीएफएम क्यूबिक फीट पर मिनट, फीट इंटू फीट करेंगे, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 3 क्यूबिक फीट पर मिनट निकल जाता है। तो इस तरह से आप जो है सीएफएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे किसी तरह का डाउट नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि हमारा एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो आते रहता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, तो एक एक करके आपको हम बताएंगे बहुत सारा। ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये सीएफएम रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मेन स्टार डेल्टा कैसे फंक्शन करता है, क्या उसका प्रोसीजर है वो हम बताएंगे। इस तरह से बहुत सारा टॉपिक पे हम बताएंगे। तो हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर अपना आप ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।